आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे SBI बैंक के न्यू ATM कार्ड को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और दोस्तों, आपको योनो SBI से अपने न्यू ATM कार्ड को एक्टिवेट करना है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से योनो SBI के द्वारा भी अपने मोबाइल से घर बैठे अपने ATM कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। अब दोस्तों, SBI ATM मशीन से एक्टिवेट करने के लिए आपको इस तरह से पहले कार्ड को ATM मशीन के अंदर डालना है। कार्ड को ATM मशीन में डालने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। अब दोस्तों, ATM के डिस्प्ले पे यहाँ पे आ रहा है कि आपकी जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक आपको ATM कार्ड को ATM मशीन से रिमूव नहीं करना है, बाहर नहीं निकालना है। अब दोस्तों, हमें न्यू ATM कार्ड को एक्टिवेट करना है तो पिन जनरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पिन जनरेट करने के लिए यहाँ पे पिन जनरेशन पे क्लिक करना है। पिन जनरेशन पे क्लिक करने के बाद में प्लीज इंटर योर 11 डिजिट अकाउंट नंबर। अब दोस्तों, जो भी हमारा SBI अकाउंट नंबर है यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में प्लीज इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब दोस्तों, जो भी हमारे अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें डालना है। जो भी हमारे अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कंफर्म करना है। तो इस तरह से आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालना है, बाद में कंफर्म करना है, फिर से आपको एक बार और कंफर्म करना है। फिर से कंफर्म करने के बाद में प्रोसेस होगी तो यहाँ पे हमें वेट करना है। अब दोस्तों, हमें ATM मशीन एक स्लिप दिया जिसके अंदर हमें सक्सेसफुली दिखा दिया है दोस्तों हमारे अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP प्राप्त हुआ है और हमें ATM कार्ड को ATM मशीन से रिमूव करना है, बाहर निकालना है। OTP प्राप्त होने के बाद में फिर से हमें ATM कार्ड को ATM मशीन के अंदर डालना होगा। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जब भी मेरा न्यू वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों, आपको फिर से ATM कार्ड को ATM मशीन के अंदर डालना है। इस तरह से हमें कार्ड को ATM मशीन में डालने के बाद में सेम प्रोसेस हो रही, तो यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना होगा। अब दोस्तों, ATM के डिस्प्ले पे यहाँ पे इस तरह से काफी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको बैंकिंग पे क्लिक करना है। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में कोई भी दो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। दो नंबर डालने के बाद में यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करना है। कोई भी दो नंबर डालने के बाद में आपको यस पे क्लिक करने के बाद में प्लीज इंटर योर पिन। अब दोस्तों, आपके अकाउंट के साथ जो OTP प्राप्त हुआ था वह OTP यहाँ पे आपको डालना है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रेड बॉक्स में। इस तरह से जो इंग्लिश में OTP आया है वह OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद में दोस्तों, आपकी ATM की डिस्प्ले फिर से आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी OTP प्राप्त हुआ है, इंग्लिश वाला OTP यहाँ पे आपको डालना है। OTP डालने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको पिन चेंज पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में पिन चेंज पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपकी ATM की डिस्प्ले पे फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्लीज इंटर योर न्यू पिन। अब दोस्तों, जो भी आपको अपने न्यू ATM कार्ड का पिन कोड सेट करना है, 4 नंबर का 4 डिजिट में पिन कोड नंबर यहाँ पे आपको डालना है। प्लीज इंटर योर न्यू पिन। जो भी आप अपनी चॉइस से पिन कोड सेट करना है आपको यहाँ पे डालना है। इस तरह से पिन कोड नंबर डालने के बाद में प्लीज री इंटर योर न्यू पिन। फिर से वही पिन कोड आपको फिर से यहाँ पे डालना है। जो आपने 4 डिजिट में पिन कोड डाला था वही सेम पिन कोड यहाँ पे आपको री इंटर डालना है कन्फर्म के लिए। अब दोस्तों, पिन नंबर डालने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। अब दोस्तों, ATM की डिस्प्ले पे यहाँ पे आ गया पिन चेंज सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने ATM कार्ड को एक्टिवेट कर